भारतीय रेलवे बोर्ड ने री एंगेज कर रिटायरमेंट के बाद फिर से नौकरी पर आए कर्मचारियों को झटका दिया है। रेल मंत्रालय ने 30 नवंबर 2019 को इनकी सेवाएं समाप्त करने के लिखित आदेश दिए हैं। आपको बता दें, अंबाला मंडल ने 18 नवंबर को आदेश जारी कर इस संबंध में कर्मचारियों को अवगत करा दिया है। कर्मचारियों को उम्मीद थी कि इनकी एक्सटेंशन 65 वर्ष तक कर दी गई है। अब 60 वर्ष के बाद किसी भी रिटायर कर्मचारी की नियुक्ति दोबारा नहीं हो पाएगी। रेलवे ने री एंगेजमेंट ऑफ रिटायर्ड एम्प्लॉयज के तहत हजारों कर्मचारियों को भर्ती किया था, लेकिन रेलवे को अब लगता है कि इनकी ज्यादा जरूरत नहीं है। रेलवे अपने कर्मचारियों की संख्या को कम करना चाहता है। आपको बता दें, इस समय रेलवे में 13 लाख कर्मी काम कर रहे हैं और उनका लक्ष्य है कि 2020 तक 10 लाख तक करना है।